हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। जय माता दी। ज्योतिष रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे आज के राशिफल के बारे में। उससे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 7 मार्च सन 2021 दिनांक, दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी और मास फाल्गुन, कृष्ण पक्ष। राहु काल का समय 9:41 से लेकर के 11:10 सुबह का। कोई भी शुभ कार्य जो है इस समय में ना करें। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:14 से लेकर 1:02 के बीच का रहेगा। कोई भी शुभ कार्य अगर आपको करना है तो वो इस समय में आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों से। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी जिसको आप बहुत ख्याल है उसको तनाव दे सकते हैं। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है जो काफी दौड़ भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत ना बिगाड़ लें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप आप सुबह सुबह करें। 11 इसका उच्चारण करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातक, जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति की ओर बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का ये समय आ गया है। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या किसी संत से मिलें, इससे आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफी मौके भी होंगे जीवन का आनंद लेने के लिए। अपने दोस्तों को भी समय देना आपको चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा और आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। काम को करने से पहले और उसके करने में अच्छा या बुरा ना सोचें, बल्कि खुद को एकाग्र करने की कोशिश करें। इससे सारे काम आपके अच्छे हो पाएंगे। किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मिथुन राशि के जातक, जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और प्रगति की ओर बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच की, न जहर की। रोमांस और रोमांच होगा, इसीलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धा स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। अगर आज से काम को आप कल पर टाल रहे हैं तो कल आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। माता या पिता समान स्त्री के पैर छूना मानसिक शांति पाने का सर्वोत्तम उपाय है। कर्क राशि के जातक, कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकते हैं। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचें और हर फैसला तार्किक तरीके से लें। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना भी सफल होगी। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय न दें तो वह नाराज हो सकती है। रात को ऑफिस से घर आते वक्त आज आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक जीवन बीतेगा। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी छवि बना पाते हैं। काली सफेद गाय को खाना खिलाने से प्रेम संबंध अच्छे होंगे। सिंह राशि के जातक, आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। बच्चे की तबीयत परेशान का कारण बन सकती है।
जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा होगा। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपको आपकी जो कीमती समय है उसको जो है खातिरदारी में जा सकता है। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खूब व खुद दिख जाएगी कि किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा, जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। अच्छे परिवार जीवन के लिए नहाने के जल में काले तिल काली सरसों के दाने डालकर स्नान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। कन्या राशि के जातक, दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। यह बात भली बात ही समझ लीजिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा, इसलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का विचार बनाएं। परिवार की स्थिति आज वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। आज घर में किसी बात को लेकर कलह की होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से एक होंगे। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। आप जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और यह आपको आज एहसास होगा। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर आप थोड़ा कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। तुला राशि के जातक, तनाव के चलते बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। सुकून महसूस करने के लिए दोस्तों और परिवारों के बीच कुछ समय बिताएं। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार न दें। यदि देना जरूरी है तो देने वाले को लिखित में लें, वो पैसा वापस कब करेगा? आपकी पारिवारिक सदस्यों में काबू सदस्यों को काबू में रखने की और उनसे सुनने व प्रवृत्ति की वजह से बेहद वाद विवाद हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो है थोड़ा सा तालमेल बना के चलने की कोशिश करें। और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है इससे। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। अपने बीते दिन कार्य क्षेत्र में आप कई काम अधूरे छोड़े हैं जिनका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। आज अपना खाली समय भी ऑफिस के काम को पूरा करने में ही लगेगा। अगर हाल में आप व आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे हैं तो आज हालात बदल सकते हैं। आप दोनों आज बहुत मजे करने वाले हैं, आपके दोस्त आपके काम नहीं आते हैं, तो यह शिकायत आज आपको हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम करेंगे, अपनी मांसपेशियों को आराम देंगे। उनके लिए आपको तेल से मालिश करना अच्छा हो सकता है आपके लिए। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय लीजिए। महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें। आप आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हंसी में वो खनक नहीं है, दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है क्योंकि आप किसी खास के साथ ही कमी महसूस कर रहे हैं। आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहेंगे लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे आपको परेशानी होगी। अपने जीवन साथी की नुक्ताचीनी से आप आज परेशान रहेंगे लेकिन वह आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया करने वाला है। दिन के पहले भाग में खुद को थोड़ा असलाहट भरा महसूस करेंगे लेकिन अगर आप घर के बाहर निकलने की हिम्मत जुटाएं तो काफी काम किया जा सकता है। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए सफेद वस्त्र आदि पहनें। धनु राशि के जातक, क्षणिक आवेग में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, यह आपके बच्चों के लिए हित को हानि पहुंचा सकता है। जो लोग अब तक पैसों की वजह से खर्च कर रहे थे, बेवजह जो खर्चा कर रहे थे, आज उनसे यह समझ में आ सकता है कि पैसों की जीवन में क्या अहमियत है क्योंकि आज अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे क्योंकि आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन है। आप अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। प्यार नजदीकी मस्ती मजा जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा। आप
आपका जो संगी है आज आपके लिए घर पर कोई सरप्राइज डिश बना सकता है जिससे आपके दिन की थकान मिट जाएगी। मकर राशि के जातक, अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट जो है आपके मन और निराशावादिता को जन्म दे सकती है। खास लोग ऐसी जिनकी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे संभावना नजर आए और विशेष हो। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार की दुखी स्थिति को खराब कर सकता है बल्कि संबंधों में भी जो है दूरी पैदा कर सकता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अपने प्रिय की गैर जरूरी भावनात्मक मांगों को के सामने घुटने न टेके। अगर आप अपनी चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको खोने का जो डर है या चोरी होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। अपने पिता के साथ आज दोस्त की तरह आप बात कर सकते हैं, आपकी बातों को सुनकर उनको खुशी होगी। घर में लाल गुलाब के पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने से पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। कुंभ राशि के जातक, आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। लोग अपने करीबियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में विवादपूर्ण मुद्दों पर बहस न करें, उनको करने से बचें, जो आपके और अपने प्रियजनों के बीच में गतिरोध पैदा कर सकते हैं। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं, आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। यहाँ पर दीवास्प्रव देखना इतना भी बुरा नहीं है, बशर्ते कि इससे मध्य आप कुछ रचनात्मक विचार जो है वो हासिल कर सकें। तो ऐसा आज आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय का अभाव नहीं होगा। परिवार में किसी का भी जन्मदिन हो तो उसे गरीबों में सफेद वस्तुएं बांटने पर घर में सुख शांति बनी रहेगी। और अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मजबूती और निरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात आपको काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिन बहुत ही लाभदायक नहीं होगा। इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। अपने जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं तो वह नाराजगी की संभावना जो है वहां पे बन सकती है। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपना खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। शांति का वास आपके दिल में रहेगा और इसलिए आप घर में भी अच्छा माहौल बना पाएंगे और कामयाब रहेंगे। ज्ञानी, विद्वान और न्यायकर्ता, लोगों का सम्मान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो मित्रों, ये तथा आज का राशिफल। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको प्रश्न बनता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर राशिफल आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले दिन का राशिफल लेकर। जय माता दी।